मेरी फर्स्ट नाम लघु चिल्ड्रन। यहाँ मैं आपको आज प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्वेश्चन है ये, इसकी डेफिनेशन कराऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी और थोड़ा सा आपको इसको डिटेल भी करूंगी। आप सबने इसी तरह इसको उतारना है कॉपी में और याद भी करना है और समझिए आप जो मैं आपको बता रही हूँ। राइट द डेट फर्स्ट, सबसे पहले आपको डेट डालनी है, देन आप ये पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। बच्चों इससे पहले हमने कॉमन नाउन किया था, यानी आम नाम, आम चीज़ें, आम जगह, आम जानवर के नाम, कॉमन नाउन। अब हम कर रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्टिक्यूलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल कराची, अली, पाक फैन, पुसी कैट, एटसेट्रा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिक्यूलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल कराची, अली, पाक फैन, पुसी कैट, एटसेट्रा। चिल्ड्रन यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन कोई खास नाम, पर्टिकुलर मीन्स खास, किसी खास नाम, किसी जगह का नाम, कोई जानवर का नाम, मगर ये सब खास नाम होंगे, आम नाम नहीं होंगे। आम में जैसे हम पार्क कह देते हैं, स्कूल कह देते हैं, लेकिन पार्क अस्करी पार्क हो गया, हॉक्स बे है, ये अगर इस तरह की चीज़ों की जगहों के नाम है, बिगनर्स स्कूल है, SM कॉलेज है, ये सारे जो नाम जिसके कोई पर्टिकुलर नाम दिया हुआ हो उसको हम प्रॉपर कहते हैं। तो वो इसी तरह यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के भी नाम बताते हैं, जैसे पार्क फैन। फैन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पार्क फैन एक प्रॉपर बनाने वाली कंपनी है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन में लेकर आएंगे। इसी तरह पुसी कैट, कैट तो बहुत सारी होती है, लेकिन अगर उसका एक प्रॉपर नाम हम रख देते हैं अपनी बिल्ली का, और तो हमने उसे कहा पुसी, उसका नाम पुसी रखा है, तो पुसी कैट। तो प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का, जगह का, जानवर का, किसी शख्स का खास नाम। ओके, आपको समझ आया? इसी से रिलेट आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, आपको एक वर्कशीट दी हुई है, उस वर्कशीट में आपको अंडरलाइन करना है, पिकआउट करना है प्रॉपर नाउन को, वो आपसे सबने उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। ओके, आपको समझ आ रही है ना कि ये आपने उतारना है, उतारने के बाद नए सफ़े पे आपको पिकआउट द प्रॉपर नाउन की जो एक्सरसाइज दी हुई है वो उसको पेस्ट करके करनी है। ओके, थैंक यू बेटा।